नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सत्येंद्र में। और जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने बायोलॉजी की पहली वीडियो डाली थी, और जो पहली वीडियो थी उसमें हमने चर्चा की थी सजीव और निर्जीव के गुण क्या क्या होते हैं। इस आधार पर हमने सजीव और निर्जीव दोनों में अंतर पैदा किया था कि सजीव आखिर क्या है और निर्जीव आखिर क्या है। ठीक है, उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें है जीव विज्ञान का वर्गीकरण। जीव विज्ञान का वर्गीकरण, या ये कह सकते हैं कि जो सजीव हैं उनका वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर सबसे पहले, यानी जो इसका बेस तैयार किया है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो बेस तैयार किया है वह है जिस वैज्ञानिक ने किया है, उसका नाम है जॉन रे। यानी इन्होंने इसका आधार प्रदान कर दिया किसका, वर्गीकरण का। लेकिन ये संपूर्ण जीव जगत का वर्गीकरण करने में सफल नहीं हो पाए, इस वजह से इनका नाम सामने नहीं आता है। लेकिन जॉन रे के बाद एक विद्वान थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, या इनको एक और नाम से जाना जाता है कॉर्नवॉन लिनियस। तो कैरोलस लिनियस जो है, इन्होंने जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया, और जीव विज्ञान का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। एक को इन्होंने कहा पादप जगत या फिर प्लांट किंगडम, और दूसरे को कहा इन्होंने जंतु जगत या फिर एनिमल किंगडम, जंतु जगत या एनिमल किंगडम। यानी यहां पर जो कैरोलस लिनियस हैं, इन्होंने जीव विज्ञान या संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांट दिया, पादप जगत और जंतु जगत। हालांकि यह चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बायोलॉजी में दो पार्ट हैं, एक को कहते हैं जूलॉजी, एक को कहते हैं बॉटनी। लेकिन वहां पर जब हमने बायोलॉजी को दो भागों में बांटा था, तो दो भागों में बांटते समय मैंने आपको बताया था कि एक था पादप विज्ञान और दूसरा था जंतु विज्ञान। लेकिन यहां पर इसने कहा है पादप जगत और जंतु जगत। जगत का मतलब एक तरीके से मान लीजिए वर्ल्ड, या फिर इसको हम कह सकते हैं दुनिया या विश्व। तो यानी पादपों का, पादपों की दुनिया, और इधर क्या है जंतुओं की दुनिया। यानी इसको हमने, यानी सॉरी कैरोलस जो लिनियस हैं, इन्होंने क्या किया है, इसको दो भागों में बांट दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इन्होंने जब इन सभी चीजों का वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण करने के पश्चात इन्होंने, यानी वर्गीकरण की कुल 6 इकाई मानी। यानी बायोलॉजी का वर्गीकरण तो इन्होंने कितने आधार पर किया है, यानी बायोलॉजी का वर्गीकरण किया है इन्होंने दो आधारों पर। लेकिन जब प्रत्येक जीव का वर्गीकरण किया, तो उस जीव को 6 इकाइयों में बांट दिया। उन इकाइयों में कौन कौन सी इकाई है, तो एक को कहते हैं जाति या स्पीसीज। जैसे कोई भी, चाहे वो पादप हो अथवा जंतु, वो कौन सी जाति से संबंधित है, ये चीज बताई है किसने, कैरोलस लिनियस। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट बनता है जाति के बाद, वो है वंश। दूसरा पॉइंट कौन सा है, वंश, और वंश को कहा जाता है जीनस। वंश को क्या कहा जाता है, जीनस। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट बनता है वो है कुल। तीसरा पॉइंट जो बनता है कुल, और कुल को कहा जाता है फैमिली। कुल को कहा जाता है फैमिली, यानी जाति, जाति से बड़ा होता है वंश, वंश से बड़ा होता है कुल। ठीक है, जो चौथी इकाई है उसको कहा जाता है गण। चौथी इकाई जो है उसको कहा जाता है गण, और गण को कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डर। फिर इसके बाद जो पांचवी इकाई इन्होंने बताई है, वो बताई है वर्ग। वर्ग को कहते हैं क्लास,
यानी ये जो जंतु है कौन सी क्लास का जंतु है, चाहे वो पेड़ हो अथवा जंतु। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट वाला जो पॉइंट बचता है वो है संघ, संघ, और संघ को बोलते हैं फाइलम। संघ को क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। यानी कॉर्न वॉन लिनियस ने क्या किया है, यानी जो जीवन है उस जीवन की कुल 6 इकाई बताई है। इन जीवन की 6 इकाई जो बताई है उसमें जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। अब यहां पर ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, छठवां नंबर, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो छठवां नंबर है वो क्या है, संघ या फिर फाइलम। ठीक है, तो यहां पर कुल कितने वर्ग हो गए। अब यहां से देखो क्वेश्चन किस टाइप से बना सकता है, पहले तो ये समझना होगा। जैसे पूछ सकता है कि कोई भी जीव जंतु अथवा पेड़ पौधा है उसका सबसे छोटा जो वर्गीकरण है वो क्या है, जाति, और सबसे बड़ा वर्गीकरण क्या है, संघ। यानी हम किधर से किधर की ओर जा रहे हैं, हम जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, और फिर लास्ट में संघ, यानी इधर से इधर की ओर जा रहे हैं। तो यानी जो वर्ग है, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको मैं मान लेता हूं फाइलम। रीजनिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बताना चाहूं तो ये हो गया मान लो फाइलम। फाइलम के अंदर जो सर्कल आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका क्लास। क्लास के अंदर जो सर्कल आएगा वो कौन सा होगा, आपका गण। वो गण को कहा जाता है ऑर्डर। इसके अलावा यानी इसके अंदर जो सर्कल आएगा उसको हम किस नाम से जानेंगे, एफ यानी फैमिली या फिर कुल। इसके अंदर जो सर्कल आएगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको जाना जाएगा वंश के नाम से, और वंश को कहा जाता है जीनस। और इसके अंदर जो सर्कल आएगा उसको हम कहेंगे किस नाम से, स्पीसीज यानी एस। यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी स्पीसीज संघ होंगे, लेकिन सभी संघ स्पीसीज नहीं हो सकते। यानी इसको हमने क्या कर दिया, यानी छोटे से बड़े की ओर ले गए। अब कैरोलस लिनियस नामक जो विद्वान है इसने ये वर्गीकरण पूरी तरीके से प्रस्तुत कर दिया, और वर्गीकरण जब प्रस्तुत किया तो इन्होंने इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि आधुनिक वर्गीकरण जो है वो किसने दिया है, तो कैरोलस लिनियस। हालांकि इन्होंने वर्गीकरण कोशिश करने की कोशिश की है जॉन रे ने, लेकिन जॉन रे इसका वर्गीकरण कर नहीं पाए, और इस वजह से यानी ये केवल इन्होंने बेस दिया है, वास्तविक जो वर्गीकरण किया है वो किसने किया है, कैरोलस लिनियस। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसी टॉपिक को और आगे ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर लग रहा होगा आपको कि ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों से जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि है तो सरल ही, फिर सरल क्वेश्चन ही एग्जाम में हमेशा गलत होता है, ये ध्यान रखिएगा। टफ क्वेश्चन मैक्सिमम लोग सही करके आते हैं, इजी क्वेश्चन होता है वो हमेशा गलत होने की संभावना सर्वाधिक होती है। और जो गलत जो इजी क्वेश्चन होता है, अगर इजी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके सिलेक्शन से बाहर होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है। इसके अलावा अब यानी हमने बताया कि कॉर्न वॉन लिनियस जो था इसने जीव जगत को पूरे 6 वर्गों में, सॉरी जीव जगत को पूरे 2 वर्गों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत, और फिर प्रत्येक जो पेड़ पौधा या जंतु है उसको 6 वर्गों में बांटा है, कि इसकी जाति क्या है, इसका कुल क्या है, गण क्या है, वर्ग क्या है, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके बाद एक विद्वान है उसका नाम है हिट्टेकर। क्या नाम है, हिट्टेकर। और हिट्टेकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा।
यानी जो हिट्टेगर नामक विद्वान है, इसने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा, और कब बांटा, तो 1969-1969 में, यानी इसने 1969 में जीव जगत को कुल 5 वर्गों में बांट दिया। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो इस पर स्टार लगा दीजिए कि जो परंपरागत वर्गीकरण चला आ रहा था पादप और जंतु वाला, उसको खत्म करके इसने क्या किया है, हिट्टेकर ने 5 आधार पर वर्गीकरण किया है। इन 5 आधारों में कौन कौन सा है, तो पहला जो वर्गीकरण है उसको कहा जाता है मोनेरा। पहला वर्गीकरण है उसको क्या कहा जाता है, मोनेरा। दूसरा जो वर्गीकरण है उसको कहा जाता है प्रोटिस्टा। तीसरा जो वर्गीकरण है उसको कहा जाता है कवक। और चौथा जो वर्गीकरण है उसको कहा जाता है पादप। पांचवा जो वर्गीकरण है उसको कहा जाता है जंतु। अगर इसकी इंग्लिश देखें तो मोनेरा को मोनेरा ही कहा जाता है, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही कहा जाता है, कवक तो कवक को कहते हैं फंजाई, पादप यानी प्लांट और जंतु यानी एनिमल। यानी यहां पर जो हिट्टेकर नामक विद्वान है, इसने 1969 में कुल 5 वर्गों में जीव जगत को बांट दिया। अब यहां पर हमें ये देखना है कि ये आखिर है क्या, ये जो वर्ग है ये आखिर क्या है। तो यहां पर सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा में अगर हम बात करें तो ऐसे जीव आते हैं जो कौन सी कोशिकाओं से बने होते हैं, जो बने होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने जीव। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से जो जीव बने होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं, मोनेरा। अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने जीव, तो यहां पर आपको समझना होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं। तो हालांकि इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कोशिका, हमारा टॉपिक होगा साइटोलॉजी, लेकिन यहां पर अगर थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं ऐसी कोशिकाएं जो आंखों से न देखें, या फिर ऐसी कोशिकाएं जो स्वतंत्र आंखों से न देखें। क्योंकि मान लो अभी आप कहो कि सूक्ष्मदर्शी से देख लेंगे सर, तो सूक्ष्मदर्शी से तो दिख जाएंगी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, लेकिन स्वतंत्र आंखों से नहीं दिखेंगी, नग्न आंखों से नहीं दिखेंगी। तो ऐसी कोशिकाएं जो नग्न आंखों से नहीं दिखती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है, और ऐसी कोशिकाएं जो आंखों से दिखती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे मान लो मैं, यानी मैं आपको दिख रहा हूं, तो मैं कौन सी कोशिकाओं से बना हुआ हूं, मैं बना हुआ हूं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से। लेकिन ऐसे जब जीव जंतु जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं वो दिखते नहीं है। अब इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें कौन कौन सी चीज आती है, तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अलावा नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, या फिर इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दोनों ही किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा। और मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो होता है वो होता ही नहीं, मतलब केंद्रक या तो ना होगा, अगर होगा भी तो अल्प विकसित होगा, जिसका विकास नहीं हुआ होता है। यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि केंद्रक के अंदर जो डीएनए या आरएनए पाया जा रहा है वो डीएनए या आरएनए कोशिका के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर नहीं होता, केंद्रक होता ही नहीं। यानी कोशिका के अंदर जितना भी पदार्थ है उसी के साथ मिला हुआ है डीएनए, यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण जो है वो क्या है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में यानी इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं, कैसे, एक कोशिकीय जीव, लेकिन एक कोशिकीय जीव के साथ साथ यहां पर जो कोशिका होगी वो कोशिका कैसी होगी, यूकैरियोटिक। यानी यहां पर जो कोशिका होगी वो कौन सी होगी, यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें केंद्रक विकसित होता है, और केंद्रक के अंदर डीएनए या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ यानी जो जेनेटिक मैटर होता है वो पाया जाता है, वहां पे कोशिका के साथ ही मिला हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं,
यानी वहां पे केंद्रक नाम की कोई चीज नहीं है, इसका मतलब जो डीएनए आरएनए होगा वो समस्त पदार्थ के साथ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर पृथक रूप से केंद्रक के अंदर है, बाद बाकी का पदार्थ केंद्रक के बाहर है। तो यहाँ पर ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे जीव, एक कोशिकीय कौन कौन से जीव हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं इसमें जो जीव आते हैं उसमें हम बात करें यूलिना, यूलिना के अलावा पैरामीशियम, पैरामीशियम यह यूलिना है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अलावा एक और है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, यानी ये सारे के सारे जीव जंतु कहां पर आते हैं, प्रोटिस्टा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फंजाई, तो फंजाई में कैसी कोशिकाएं होती हैं, तो सेम यही कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक, लेकिन फंजाई जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो इसका रीजन समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर लिखा हो कवक फंजाई, कवक आपने देखा होगा अचार वगैरह में जो फफूंद लग जाती है उसी को कहते हैं कवक। आपने देखा है कि उसका कलर कैसा होता है, सफेद कलर होता है, यानी उसमें कोई भी लवक नहीं है, और जब तक हरित लवक नहीं होगा तब तक क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि जो कवक है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर कौन सी कोशिकाएं, तो यहां पर भी यही सेम कोशिकाएं, कौन सी, यूकैरियोटिक, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं होने के साथ साथ इसमें हरित लवक भी पाया जाता है, और हरित लवक पाया जाएगा तो यहां पर प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, वैलिड होगा, यहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जंतु, तो जंतुओं में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए ये बहुकोशिकी जीव हैं, पादप भी बहुकोशिकी जीव हैं, कवक भी बहुकोशिकी जीव हैं। इसके अलावा मोनेरा वर्ग में यानी बैक्टीरिया एक कोशिकी हो सकता है, और नीले हरे शैवाल ये क्या है, बहुकोशिकी है, तो यहाँ पर एक कोशिकी बहुकोशिकी दोनों है, यहाँ पर केवल एक कोशिकी है, बाद बाकी में बहुकोशिकी है, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो बेहतर तरीके से ही पढ़ रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि आपको बायोलॉजी किस तरीके से, या फिर हम जो भी चीज यूट्यूब के माध्यम से पढ़े उसको ऐसा पढ़ाया जाए कि क्वेश्चन उससे बाहर न रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा नोट करके आपको दो तीन पॉइंट लिखने हैं, और वो पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है आपका कि एक है यूगलिना, और यूगलिना के अलावा एक है क्लेमिडोमोनास, यूगलिना एवं क्लेमिडोमोनास ये कौन से वर्ग में आते हैं, पादप की जंतु, तो ये आते हैं जंतु वर्ग में, कहां पे आते हैं, जंतु वर्ग, यानी यूगलिना एक प्रकार का जंतु है, क्लेमिडोमोनास भी एक प्रकार का जंतु है, लेकिन जंतु होने के बावजूद भी इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जंतु होने के बावजूद भी इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसीलिए अलग वर्ग में रखा गया था यूगलिना, क्योंकि ना तो ये पता चल पा रहा है कि जंतु है, ना ये पता चल पा रहा है पादप है, कि लक्षण तो जंतु के हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो इसलिए यानी पादप भी है, इसलिए इसको अलग वर्ग में रखा गया, कौन सा वर्ग था, प्रोटिस्टा, नहीं तो इसको हम पादप में रख सकते थे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, लेकिन पादप में नहीं रखा, अलग से रखा है। इसके अलावा जो कवक होता है,
इस कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? काइटिन। यानी जितने भी प्लांट होते हैं सभी में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो ये दो पॉइंट थे नोट में जो आप लिख लीजिए इनको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर हमने जीवन का वर्गीकरण कर दिया, और कल वाली क्लास में हमने जीवित यानी सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में अंतर पैदा किया था। अब लेकिन हमें ऐसी कड़ी के बारे में समझना है जो जीवित भी है और मृत भी है, यानी जीवित और मृत या फिर सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, और वो कड़ी क्या है? वायरस। जैसे आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट, और थ्री इडियट जो मूवी है उस मूवी में होता है वायरस, तो आप मुझे वायरस मत बना दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आफोंसो बांगड़ू बोल सकते हैं। तो यहां पर वायरस यानी विषाणु, और जो विषाणु है इसको आज हमें समझना है कि आखिर ये चीज है क्या। तो मैं आपको बताऊं, इसका एक मैं चित्र बनाऊं हल्का सा, और यहीं से सारी की सारी चीजों को हम समझेंगे। यानी यहां पर जो चित्र है, ये चित्र किसका है? ये चित्र है आपका वायरस का या विषाणु का। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने जो वायरस का चित्र बनाया है, यहां पर आपका पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए। तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, ये क्या है आपका? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए आरएनए ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, यानी ये जो मैंने डबल लेयर बनाई है, ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी होती है? तो जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम होता है कैप्सिड प्रोटीन। क्या होती है? कैप्सिड प्रोटीन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विषाणु होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना है, और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। यहां पर मैं सीधा सा अगर यहां फॉर्मूला बनाऊं तो इसको मैं कह सकता हूं वायरस इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड एनए, न्यूक्लिक अम्ल। यानी वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना है। इसको हम थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करें तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वायरस है वो न्यूक्लिक अम्ल का खोल है, ये खोल चढ़ा हुआ है ऊपर से न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर। तो वायरस जो है वो न्यूक्लिक अम्ल का खोल है, और न्यूक्लिक अम्ल के खोल होने के साथ साथ ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। यानी जब वायुमंडल में रहेगा उस समय निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा, और जब जीव किसी जीव जंतु के अंदर पहुंच जाएगा तो किस तरीके से व्यवहार करेगा? सजीव की तरह व्यवहार करेगा। अच्छा, सजीव की तरह व्यवहार करने का मतलब, यानी किसी भी जीव के अंदर पहुंच जाता है तो ये प्रारंभ कर देता है प्रजनन। क्या प्रारंभ कर देता है? प्रजनन। यानी अपनी जीरोक्स कॉपी प्रारंभ कर देता है, यानी एक वायरस से दो वायरस, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से वायरस द्विगुणित होता है। अब यहां पर यानी ये सजीव का लक्षण है प्रजनन, मैंने आपको बताया था। और यहां अगर बात करें तो निर्जीव, तो निर्जीव की बात करें तो इसमें कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है, कोशिका द्रव्य सॉरी जो जीव द्रव्य होता है वो नहीं पाया जाता है। अजीव जीव द्रव्य नहीं है, इसका मतलब क्या जीवों का लक्षण सजीवों का लक्षण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसके अलावा
और भी कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो यानी निर्जीव इसकी इसकी निर्जीवता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें श्वसन नहीं होता है, जो वायरस होता है इसमें श्वसन नहीं होता। श्वसन के अलावा अगर हम बात करें तो उत्सर्जन नहीं होता, श्वसन भी नहीं होता है वायरस में और उत्सर्जन भी नहीं होता है। इसको यानी काटकर प्रयोगशाला में रखा जा सकता है, क्रिस्टल बनाया जा सकता है इसको। जैसे एक वायरस है उस वायरस को काटकर प्रयोगशाला में रख दो और वो रखा रहेगा आराम से। जैसे ही जीव के अंदर जाएगा तो क्या होगा, तुरंत सजीव हो जाएगा यानी प्रजनन प्रारंभ कर देगा। इसका मतलब निर्जीव भी है और सजीव भी है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि वायरस इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस एनए यानी न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस जो है वो न्यूक्लिक अम्ल का खोल है, और जो खोल है अब यहां पर मैं ये कहूं कि ये क्या है वायरस का मुख यानी विषाणु का मुख। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये विषाणु की वायरस की पुच्छ है, पूंछ बोलते हैं इसको, पुच्छ। और ये जो मैंने यहां पर ये बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है फ्लैजिला। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। और फ्लैजिला का इसका काम किस में आता है, तो इससे ये तैरता है, क्या करता है, जो वायरस है वो आगे बढ़ता रहता है, तैरता रहता है, मूवमेंट करता रहता है इसके माध्यम से, फ्लैजिला के माध्यम से। तो यहां पर यानी हमने वायरस का चित्र बनाया, वायरस के चित्र के माध्यम से चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है। पहले यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डीप ले जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहां पर ये कहें कि जो वायरस है वो क्या है, एक कड़ है, क्या है, कण। और इस संपूर्ण कण को क्या कहते हैं, तो इस संपूर्ण कण को कहते हैं ब्रियोन। पूछ लेता है कि ब्रियोन क्या है, तो ब्रियोन का मतलब होता है वायरस। ब्रियोन का मतलब क्या है, वायरस। और ब्रियोन के दो पार्ट हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि एक है प्रोटीन और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। यानी यहां पर ब्रियोन के हमने दो पार्ट कर दिए, न्यूक्लिक सॉरी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि अभी मैंने चित्र के माध्यम से बताया था, एक प्रोटीन थी, और प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन। प्रोटीन में जो प्रोटीन थी उसका नाम था कैप्सिड प्रोटीन, और यहां पर ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर हमने क्या किया कि प्रोटीन टोटल वायरस का 94% भाग बनाती है, यानी जो प्रोटीन है वो 94% भाग बनाती है, और जो न्यूक्लिक अम्ल होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है वो केवल और केवल कितना होता है आपका, 6% होता है, 6% होता है। टोटल कितना हो गया, 100%। कोई भी चीज हम निकालते हैं तो कितने पर निकालते हैं, 100% पर निकालते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊं तो यहां पर हमने देखा प्रोटीन, अगर कंडीशन ऐसी पैदा हो जाए, जैसे मैं कहूं कि मान लो ये कोई एक वायरस है और इस वायरस के अंदर ही अनुवांशिक पदार्थ है। अब ऐसा हो जाए कि मान लो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन गायब हो जाए और बचे क्या, और बच जाए केवल और केवल न्यूक्लिक अम्ल, और ये न्यूक्लिक अम्ल बीमारी पैदा करे, और ये न्यूक्लिक अम्ल बीमारी पैदा करे, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेरोइड्स। इसे क्या कहा जाता है, ब्रोइड्स, ब्रोइड्स। अगर ऐसा हो कि मान लो ये वायरस था इस तरीके से, और
ये इसमें अनुवांशिक पदार्थ है, तो ये अनुवांशिक पदार्थ खत्म हो जाए तो क्या बच गया, प्रोटीन, केवल और केवल प्रोटीन बच गई। अब ये जो प्रोटीन बची हुई है अगर ये रोग पैदा करे तो उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं प्रियोन्स। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रियोन्स। यानी यहां पर हमने देखा कि वायरस के अगर दो खंड कर दिए जाएं, पहले तो पूरा वायरस देखा, वायरस में हमने प्रोटीन भी देखी, न्यूक्लियम अम्ल भी देखा, लेकिन यहां पर जो वायरस है उस वायरस में अगर प्रोटीन को हटा दें, यानी प्रोटीन जो है उसको अलग कर ले तो प्रोटीन भी रोग पैदा कर देती है, और न्यूक्लिक अम्ल अगर अलग रहे तो ये भी रोग पैदा करता है। मतलब वायरस तो रोग पैदा कर ही रहा है, ये अलग अलग भी रहे तब भी रोग पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रियोन से संबंधित दो रोग आपको ध्यान रखने हैं, कि ऐसे कौन से दो रोग हैं जो प्रियोन्स के कारण होते हैं, तो एक जो रोग है उसको कहते हैं मेड काउ रोग। मेड काउ, मेड का मतलब क्या होता है, पागल, काउ मतलब गाय, यानी इसमें गाय जो है वो पागल हो जाती है और अपनी बॉडी को क्या करती है, यानी वो रगड़ती है किसी भी चीज से, पागलपन की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा एक और जो रोग होता है उस रोग को जो ये पाया जाता है भेड़ में, किसमें, भेड़ में, और उस रोग का नाम है स्क्रैपी रोग। स्क्रैपी रोग, स्क्रैपी रोग किसका है, भेड़ का है। तो स्क्रैपर आपने देखा होगा, जैसे मान लो अगर हम कहें कि कोई बाइक वगैरह जैसे पंचर हो गई तो उसमें अंदर ट्यूब होता है, तो ट्यूब पर यानी पंचर लगाने से पहले वो क्या करता है, उसको रगड़ता है, स्क्रैप करता है। स्क्रैप का मतलब होता है रगड़ना, यानी जैसे ही भेड़ प्रियोन्स से ग्रसित तो होगी तो अपनी बॉडी को वो किसी न किसी पेड़ वगैरह, दीवार वगैरह, इससे क्या करेगी, रगड़ेगी, और तब तक रगड़ती रहती है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो ये दोनों ही रोग किसके कारण हो रहे हैं, प्रियोन्स के कारण हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन हमने बता दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर जो ब्रॉयड्स के कारण जो रोग होते हैं, ये रोग पाए गए हैं मैक्सिमम किसमें, पेड़ पौधों में। और पेड़ पौधों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो एक रोग होता है जिसको कहा जाता है कदंग कदंग, कदंग कदंग रोग। ये कदंग कदंग जो रोग है ये किस में होता है, तो ये होता है आपका नारियल में। दक्षिण भारत में नारियल की खेती, यानी तमिलनाडु और केरल में नारियल की खेती सर्वाधिक होती है, तो वहां पर ये कदंग कदंग जो रोग होता है ये नारियल में हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक रोग होता है किसमें, आलू, और आलू तो पता ही आपको हमारे यहाँ की फसल, मैक्सिमम आलू जो है वो आगरा में होता है, और इस रोग का नाम है तरकुकंद रोग। तरकुकंद रोग, तो न्यूक्लिक अम्ल के कारण, यानी यहाँ पर हमने दो रोगों की चर्चा की है और प्रियोन्स के कारण भी दो रोगों की चर्चा की है, और वायरस के कारण तो बहुत सारे रोग होते हैं, जब हम पूरा पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम चर्चा करेंगे कि वायरस के कारण और बैक्टीरिया के कारण या फिर प्लाज्मोडियम के कारण कौन कौन से रोग हो रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यहां पर हमने पूरा का पूरा वायरस पढ़ लिया, वायरस से होने वाले रोग वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन वायरस के बारे में जान लिया। अब वायरस के बारे में जानने के लिए बस एक पॉइंट और बचा है आपका, और उसको हम कहेंगे वायरस के प्रकार। वायरस के प्रकार, तो वायरस तीन प्रकार का होता है, एक को कहते हैं पादप विषाणु या प्लांट वायरस, दूसरे को कहते हैं जंतु विषाणु या फिर एनिमल वायरस, और तीसरे को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी यहां पर हमने देखा है कि जो जंतु विषाणु, बैक्टीरियोफेज और पादप विषाणु, इसको बोलते हैं प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और जीवाणु भोजी। यहां पर जो पादप वायरस होगा, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है आरएनए।
यहाँ पर जो जंतु विषाणु है इसमें दोनों प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं, आरएनए प्लस डीएनए, और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, डीएनए। यानी इसको ऐसा याद कर सकते हैं, आरएनए आरएनए दो हो गया, डीएनए और डीएनए। अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जैसे टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू के पेड़ में पाया जाता है। इसके अलावा टीएमबी के अलावा एक और वायरस होता है जिसको बोलते हैं बाईएमबी येलो मोज़ेक वायरस। तो यहाँ पर दो प्रकार के हमने वायरस देख लिए। अब इसके अलावा जैसे जंतु विषाणु या फिर एनिमल वायरस की बात करें तो इसमें तो बहुत सारे वायरस हैं। जैसे अगर हम बात करें एचआईवी का वायरस तो कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। पोलियो का वायरस तो यहीं पे आएगा। यहाँ पर कौन कौन से वायरस हैं, तो यहाँ पर जो वायरस हैं उन वायरसों में एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नाम ऐसा दर्शा रहा होगा कि ये शायद बैक्टीरिया का नाम है, लेकिन किसका नाम है, वायरस का नाम है। बैक्टीरिया के ऊपर रहता है, यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर रहता है और बैक्टीरिया को मार देता है। इसीलिए गंगा का पानी खराब नहीं होता कभी भी। गंगा के पानी में कौन सा वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर रह रहा है और बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है, खा लेता है। पानी किससे खराब हुआ, बैक्टीरिया से खराब हुआ। जब बैक्टीरिया को साथ ही साथ मार दे रहा है, इसका मतलब पानी कभी भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि वायरस के प्रकार कितने हैं, तो वायरस के प्रकार हैं तीन, और यहाँ पर ये हमारा वायरस टॉपिक फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, और कोशिका विज्ञान काफी लंबा टॉपिक है, उसमें एक एक चीज को हम देखेंगे कि कौन सी चीज क्या है, कैसे है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।